नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। थाने के जस्ट सामने चंद कदमों की दूरी पे एक मुकेश पाठक हैं, पेशे से पत्रकार हैं। उनके गाड़ी में अपराधियों ने देर रात आग लगा दी है। अब देखना ये होगा कि अपराधियों की क्या मंशा थी और इस घटना को अंजाम देने के पीछे क्या उनका उद्देश्य हो सकता है। हम लोग बात करते हैं पीड़ित से कि ये कब की घटना है और कैसे हुआ। यही वो गाड़ी है, एटिगा है, दरवाजे पे खड़ी थी। और मुकेश पाठक पेशे से पत्रकार हैं और इनके दरवाजे पर देर रात ये गाड़ी खड़ी थी। अपराधी आते हैं, बेखौफ आते हैं, पुलिस के जो थाना है जस्ट चंद कदम के दूरी पे है और दरवाजे पे खड़ी गाड़ी में बेखौफ तरीके से आग लगा के चले जाते हैं। पूरी गाड़ी बर्बाद हो चुकी है। आइए देखिए विस्तारियों का और जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कैसे और कब हुआ। यही वो गाड़ी है, दरवाजे पे खड़ी थी और अपराधी देर रात आते हैं, बजाते गाड़ी में आग लगा के जाते हैं। और आप लोग खुद ही देख लीजिए कि गाड़ी का क्या दुर्दशा हुआ है। सामने शटर है, भैया थोड़ा सा दिखाइएगा। आग की लौ इतनी तेज थी कि देखिए शटर के जो कलर है उसको भी पूरी तरह से जला के और उसको डिसकलर कर दिया है। कार तो पूरी तरह से बर्बाद ही है। अब पुलिस का ये होगा कि कितना जल्दी अपराधियों तक पहुंच पाती है, क्योंकि पुलिस को सीधा सीधा चुनौती है। अगर सड़क पे खड़ी गाड़ी को जलाया जाता है, उसको किडनैप किया जाता है या उसको लेके भागने की कोशिश होती है, वो दूसरे तरह का क्राइम होता है। लेकिन दरवाजे पे खड़ा हो के खड़ी गाड़ी को अब सामने से आके उसको आग के हवाले करना कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल चरम पे है। मुकेश है मेरे साथ, क्या कारण हो सकता है और ये जो आग लगाने का मंशा है अपराधियों का, इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इलेक्शन का समय है और हम यहाँ से खुद हमारी पत्नी जो है डिप्टी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही है और चुनाव में भी कई तरह के जो है राजनीतिक रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई दुश्मन होते हैं, जिनका मेन मोटिव यहाँ ये है कि इनको माइंड का उनको जो है डिस्टर्ब कर दें, माइंड डाइवर्ट करें दूसरे तरफ, ताकि हम घटना कब पता चला और कैसे। हाँ, हम ये 2:04 पे CCTV फुटेज के अनुसार जो है इस घटना में दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जो थैला लिए हुए हैं और इधर आए और गाड़ी में आग लगाकर भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो CCTV कैमरा में नज़र आ रही है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को मैं तुरंत तत्काल उसी टाइम जैसे ही हमको लगा कि आग लग गई है घर, तो हमने गाड़ी में आग